नवरात्र पर्व की अष्टमी पूजा के बाद दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का दौर शुरू हो जाता है। वहीं इसकी व्यापक तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने शिवनाथ नदी तट पर सुविधाजनक इंतजाम किए हैं। नवरात्र के पावन अवसर पर जहां पूरा देश माता की भक्ति में डूबा हुआ है, वहीं दुर्गा अष्टमी के बाद दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला भी शुरू हो गया है। गौरतलब है कि 9 दिनों तक मां दुर्गा की आराधना कर भक्त अपनी अटूट प्रेम व भक्ति से माता की सेवा करता है, तो वहीं उसकी विदाई पर जस गीतों के माध्यम से प्रतिमा को भी विसर्जित किया जाता है, जिसके चलते जिला प्रशासन भी विसर्जित होने वाली इन प्रतिमाओं के लिए सुविधाजनक इंतजाम नदी व तालाबों में करता है। इसी कड़ी में दुर्ग स्थित शिवनाथ नदी तट पर विसर्जन के लिए इंतजाम किए गए हैं, जहां स्थानीय मछुआरों की मदद से दुर्गा प्रतिमा विसर्जन कराया जा रहा है। वहीं विसर्जन के दौरान नदी में फैलने वाली गंदगी को रोकने के लिए जाल भी लगाया जा रहा है, जिससे नदी में कचरा एक सीमित दायरे में ठहर कर रुका रहे। वहीं बड़ी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए क्रेन की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।